तो सुने हैं कि सात बार यहाँ पे सती हो गई थी। हाँ, ये सच्चाई है। जो पश्चिम किनारा है, हाँ, वो मंदिर से पश्चिम किनारा, हाँ, वो बहुत कुआं गड्ढा था। हाँ, कुआं था। हाँ, उसी में सती हो गई थी। उसी में सती। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो भाई, हम पहुँच चुके हैं गढ़वा वाले सतबहिनी झरना। पिछला वीडियो अपलोड किए थे वो पलामू वाला सतबहिनी था, और वहाँ से सात बहन जो है यहाँ पे आई थी घूमने टहलने। उत्तरी कोयल पार करके यहाँ पे आई थी गढ़वा वाले सतबहिनी, यानी कोयल नदी जैसी पार की आप पहुँच चुकेंगे, आप गढ़वा में आ जाएंगे। तो यहीं पे आई थी घूमने टहलने, और जो है यहीं एक कुआं है, वो कुआं भी आपको हम दिखाएंगे। और वहाँ पे सती हो गई थी। अभी तो कुआं में पानी भरा हुआ है, क्योंकि मंदिर के पास में ही है वो कुआं, और उसमें पूरा पानी भरा हुआ है। तो चलिए हम आपको वो जगह भी दिखाते हैं जहाँ पे सती हुई थी, और वहाँ पे एक मंदिर भी है, मंदिर को भी दिखाएंगे, और यहाँ का जितना भी एरिया है वो सब हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और यहाँ पे शादी विवाह भी हो रहा है, तो शादी विवाह भी आपको हम दिखा देंगे। तो चलिए चलते हैं। ये तोरण द्वार है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो अंदर हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि देख सकते हैं, ये सब जब आप इन कीजिएगा तोरण द्वार से, तब ये सब आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। देख सकते हैं गाइस, अगर अंदर और प्रवेश कीजिएगा तो ये सब आपको नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस, हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये सब मंदिर के आसपास का नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे पानी भी भरा हुआ है। यहीं पे था एक कुआं, जो कि अभी तो भरा उरा गया है पूरा। यहीं पे था, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर भी है, और बहुत खूबसूरत सा नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत जंगल झाड़ था, और इसमें आदमी का आने में मधु डर लगता था पहले, लेकिन आज के समय में लग कि आदमी यहाँ पर आने जाने लगे। और इसके पहले तो मतलब कि उतरने के लिए, माता जी के पास उतरने के लिए ये पुल पाया कुछ नहीं था। तो सुने हैं कि सात बार यहाँ पे सती हो गई थी। हाँ, सती। ये सच्चाई है। जो पश्चिम किनारा है, हाँ, वो मंदिर से पश्चिम किनारा, हाँ, वो बहुत कुआं गड्ढा था। हाँ, कुआं था। हाँ, उसी में सती हो गई थी। उसी में सती हो गई। सात बहन। सात बहन। और वो जो बीच वाला मंदिर है, उसी में वो सातों बहन का मूर्ति है। वो छोटा सा मतलब, हाँ, हाँ, छोटा सा हुआ है। हाँ, हाँ। वही है। इस कांडी से सतबहिनी के लिए 7 किलोमीटर है, 6-7 किलोमीटर होगा। अगर गाड़ी नहीं मिली ना तो पैदल ही जाना पड़ेगा। अगर अपना गाड़ी लेकर के आए हैं तब तो ठीक है, गाड़ी का आशा छोड़ दीजिए, क्योंकि गाड़ी नहीं मिलने वाला है। सुबह शाम कभी कभी अगर मिल गया तो मिल गया, नहीं तो ऐसे नहीं जाता है यहाँ पे गाड़ी। अभी हम 4 किलोमीटर पैदल चले हैं, जाना और आना 7-7 14 किलोमीटर पे गाड़ी से संपर्क नहीं होने पाया, लेकिन पैदल चलते हैं, देखते हैं पहुंच ही जाएंगे कांडी।